एक परमाणु बम से बचने के लिए ये वैज्ञानिक अपने घर में एक शेल्टर बना लेता है। ये सब जैसे ही अंदर जाते हैं कि तभी इनके घर के ऊपर एक तेज विस्फोट होता है। ये वैज्ञानिक तभी रेडिएशन प्रूफ दरवाजे को बंद कर देता है। इस दरवाजे पर वैज्ञानिक ने एक टाइम लॉक लगा रखा है जिससे इस दरवाजे को अब 35 साल के बाद ही खोला जा सकता है। परमाणु बम के विस्फोट के कारण एक अनियंत्रित विमान इनके घर से टकरा जाता है। वैज्ञानिक की वाइफ उस शेल्टर में जल्दी ही एक बच्चे को जन्म देती है। दुर्भाग्य से इस बच्चे को भी 35 साल इस भूमिगत शेल्टर में बिताने पड़ेंगे। लेकिन शुक्र है कि इस तहखाने में सब कुछ है। इस तहखाने में एक सुपरमार्केट, एक छोटा सा मछली का तालाब और यहाँ तक इस तहखाने में एक बगीचा भी है। दुनिया से अलग रहते हुए भी एडम बहुत ही स्वस्थ बच्चा है। इसके माता पिता ने इसे हर प्रकार का ज्ञान और कौशल सिखाया है। जल्द ही एडम का 35वां जन्मदिन आ जाता है। आज ही के दिन शेल्टर का दरवाजा खुलने वाला है। वैज्ञानिक की वाइफ दरवाजे को खुलते देखकर काफी खुश है। वैज्ञानिक एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर जमीन पर आ जाता है। 35 वर्षों के बाद इनके घर के आसपास झुगी बस्ती बन गई है। वैज्ञानिक देखता है कि हर जगह चोर, उचक के भिखारी व गैंगस्टर फैले हुए हैं। ये सब देखकर वैज्ञानिक डर के वापस तहखाने में लौट आता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि परमाणु रेडिएशन की वजह से शायद लोगों में किसी तरह के जेनेटिकल बदलाव आ गए हैं। इसलिए वैज्ञानिक अगले और 35 वर्षों के लिए तहखाने के दरवाजे को बंद करने का फैसला करता है।